दोस्तों आज के टाइम में आप व्हाट्सएप में एआई की फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पिक्चर्स को देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मनपसंद फास्ट फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एआई स्टिकर्स या अवतार भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं एआई फीचर को इस्तेमाल करके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एआई की आप व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कुछ ऐसी ट्रिक्स सेंटर में जाके आएंगी जिनके बारे में आपको पता होगा, बट फर्स्ट और लास्ट के ऊपर कुछ ऐसी ट्रिक्स भी आएंगी जिसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों रिसेंटली अपडेट के मुताबिक मेटा ने अपना व्हाट्सएप एआई को लॉन्च कर दिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में। दोस्तों आपने बड़ी जीपीटी एक कॉन्टेक्ट को सेव करना है अपने मोबाइल में, उसके बाद डायरेक्ट आप चले जाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर, आपने ओपन एआई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप इस कॉन्टेक्ट के ऊपर मैसेज करेंगे उसका फीडबैक आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। इस कॉन्टेक्ट नंबर को आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं या चैट जीपीटी के किसी और वर्जन को यूज कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर बनाने के लिए, कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए या कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो जस्ट आपने टाइप करना है, सेंड करना है और आपको कुछ सेकंड के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसमें वॉइस नोट जो है वो भी कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज या किसी भी और लैंग्वेज में जो कि आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ भी आपके पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा पैराग्राफ है जिसको आपने समराइज करना है, तो जस्ट आप पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करेंगे और समराइज में आपके पास उस पैराग्राफ का छोटी सी लाइंस बट उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो टोटली डिस्क्राइब हो रही होगी, तो आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपने मैसेज का स्टाइल जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी इमेजिनेशन की पिक्चर्स को भी जनरेट कर सकते हैं जस्ट टेक्स्ट फॉर्म लिख के। बट मैं एग्री करता हूँ कि उस इमेजेस के रिजल्ट जो हैं वो इतने कूल नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है, HD क्वालिटी नहीं है, बट आपका काम जो है वो चल सकता है। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर जो कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर जब जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो अपडेट्स आएंगे डेवलपर्स की तरफ से तो पिक्चर्स क्वालिटीज़ और बाकी क्वालिटीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पेक्ट पड़ेगा और आपको एक अच्छी क्वालिटी रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो भी आप जनरेट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। दोस्तों पहले टाइम में ये होता था कि अगर आपने व्हाट्सएप में एक से दो अकाउंट चलाने हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, फिर ही जाके आपको डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करके आप व्हाट्सएप में डबल अकाउंट ओपन कर सकते थे। बट आज के टाइम में आप ये पॉसिबिलिटी जो है 4 अकाउंट तक आप असेस कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप में रहते हुए अपने 4 अकाउंट जो हैं वो भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं, अगर आप फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं तो अलग अकाउंट बनाएं, अपने ऑफिस के लिए अलग अकाउंट बनाएं, आउटिंग के लिए अलग अकाउंट बनाएं। ये चीज़ करने के बाद आपकी बहुत से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये चीज़ करेंगे तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छी रहेगी और इसके अलावा जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं वो भी सिक्योर रहेंगे, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होना। इस काम को करने के लिए आपने व्हाट्सएप के लॉगिन अकाउंट में जाना है और वहाँ पे जाके आपने लॉगिन करना है अनदर अकाउंट और वहाँ पे आपने नंबर डालना है, वेरिफिकेशन करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपने इसको सेस करना है तो आपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे आपको एक एरो का बटन नजर आएगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा कि आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें AI है तो आप वहाँ पे बैठे बैठे खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए वीडियोस डेली बेस के ऊपर अपलोड होती हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं AI के रिलेटेड या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।